नमस्कार साथियों, ये मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो किस किस जिले का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सारी जानकारी को हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान आंगनबाड़ी से संबंधित प्रत्येक प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। और साथ ही बिल्कुल जॉइनिंग तक की संपूर्ण जानकारी राजस्थान आंगनबाड़ी से संबंधित आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर करें, जिससे राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए साथ ही वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी दोस्तों योग्यता वगैरह के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे किस प्रकार से इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा आता है और कब इसकी लास्ट डेट रखी गई है, किस जिले से फॉर्म आए हैं। तो पहले आपको योग्यता के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट की, तो इसके लिए एज लिमिट कितनी रखी गई है, राजस्थान आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट 2023 एज लिमिट, राजस्थान आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट 2023 के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु साथियों आपकी 40 वर्ष रखी गई है। SC ST के लिए साथियों आपकी 5 वर्ष की छूट रहती है, इसलिए इनकी आयु 45 वर्ष तक रखी गई है। अब इसके बाद दोस्तों बात करेंगे राजस्थान आंगनबाड़ी, इसके बाद बात करेंगे राजस्थान आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट 2023 एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रखी गई है, तो एज लिमिट 21 से 40 रखी है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, राजस्थान आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट 2023 एजुकेशन क्वालिफिकेशन से राजस्थान आंगनबाड़ी साथिन पद हेतु आवेदक की शैक्षणिक योग्यता, तो कई प्रकार के पद साथ यहाँ पर रखे गए, जैसे साथिन पद के लिए आपके शैक्षणिक योग्यता रखी रखी है 10वीं पास रखी गई है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी के पद के लिए साथियों आपके 12वीं पास रखी गई है। अब आपको बताते हैं, एक तो आपके होता है साथिन पद, तो साथिन पद के लिए तो आपके 10वीं पास योग्यता रखी गई है, और आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी पद के लिए साथियों आपके 12वीं पास योग्यता रखी गई है। अब आपको बताते हैं, ये तो योग्यता की जानकारी हो गई। राजस्थान आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट 2023 आवेदन भरने हेतु आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, इसको भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, राजस्थान आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट 2023 आवेदन फॉर्म भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में हम आपको बताते हैं, क्या क्या दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने हेतु महिला आवेदक का विवाहित होना जरूरी है। जी हाँ साथियों, ये केवल आपके महिलाओं के लिए ही वैकेंसी रखी गई है, जो कि महिला भी साथियों आपके विवाहित होनी चाहिए, या साथियों किसी कारणवश विधवा हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, विधवा और तलाकशुदा इन सभी के लिए साथियों यहाँ पर ये वैकेंसी रखी गई है। तो महिला का विवाहित होना जरूरी है, वो किसी कारणवश यदि तलाकशुदा हो गई हो तो उनके लिए भी ये वैकेंसी है, विधवा के लिए वैकेंसी है, परित्यक्ता के लिए भी ये वैकेंसी रखी गई है। जैसे यहाँ पर हम आपको बताते हैं, राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने हेतु महिला आवेदक का विवाहित होना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र में विवाहित महिला आवेदक का जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए सिलेक्शन हो रहा है उस राजस्व ग्राम की अथवा शहरी क्षेत्र में संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। यानी जिस आप वार्ड से आवेदन कर रहे हो तो उस वार्ड का आपका स्थायी निवासी होना जरूरी है, जिस जिले से आप साथियों आवेदन कर रहे हो उस जिले का आपको स्थायी निवासी होना जरूरी है। विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला को ससुराल एवं माई के दोनों स्थानों के लिए स्थानीय निवासी माना जा सकता है। जैसे साथियों आपको बताते हैं, तलाकशुदा किसी कारणवश से विधवा हो गई है, कोई महिला तलाकशुदा है या परित्यक्ता है, तो उस महिला को ससुराल एवं माई के दोनों स्थानों पर से साथियों वे आवेदन कर सकती हैं। आवेदन इसका ऑफलाइन साथियों भरा जाएगा। इसके बाद बात करेंगे आवेदनकर्ता महिला संबंधित ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए, और उसके घर में साथियों शौचालय जरूर होना चाहिए, और नियमित उपयोग संबंधी घोषणा पत्र संलग्न होना चाहिए। यानी उसके घर में एक शौचालय जरूर होना चाहिए और सुचारू रूप से साथियों वो चालू होना चाहिए, इसके लिए आपको एक घोषणा पत्र भी देना होगा कि हमारे घर में एक शौचालय भी है। इसके बाद बात करेंगे साथिन पद हेतु न्यूनतम योग्यता, आपकी सभी को पता है 10वीं पास रखी गई है, नीचे जानकारी को और बताते हैं। जैसे देखिए साथिन पद हेतु 10वीं पास योग्यता है, कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 21 से 40 वर्ष, विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता के लिए 21 से 45 वर्ष उम्र यहां पर रखी गई है। आवेदक अपने आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अब जी साथ ही ऑफलाइन फॉर्म में आपको क्या क्या लगाने हैं, आवेदक
अपने आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, विधवा तलाकशुदा परित्यक्त संबंधी दस्तावेज, RSCIT प्रमाण पत्र। तो साथियों ये RSCIT किस में रखी गई है, जो 12वीं पास योग्यता है इसमें, जी हाँ साथियों, जिन पदों के लिए 12वीं पास योग्यता रखी गई है उन सभी पदों के लिए साथ RSCIT प्रमाण पत्र आपका रखा गया। कार्यान्वय प्रमाण पत्र यदि है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, वरना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। BPL कार्ड, यदि आप BPL से आते तो BPL कार्ड आपको लगा देना है, APL से आते तो APL कार्ड आपको लगा देना। अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें, यानी ऑफलाइन फॉर्म के साथ आपको ये सभी डॉक्यूमेंट हमने बताए ये आपको लगा देना, एक प्रिंट इन सभी डॉक्यूमेंटों की लगा देनी है और उन पर आपके हस्ताक्षर जरूर कर देने हैं। आवेदन फॉर्म इस कार्यालय अथवा विभाग की वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है, वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जहाँ आपको हम हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जहाँ पर दोस्तों आप इसका ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त कर सकते हो उसको डाल देंगे। अभी आपको बताएंगे डाउनलोड करके किस प्रकार का ये ऑफलाइन फॉर्म होता है। आवेदककर्ता अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों से संबंधित कार्यालय में अंतिम दिनांक तक व्यक्तिगत डाक के माध्यम से जमा करा सकेंगे। एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें संशोधन करने अथवा अनुलग्न संलग्न करने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन जमा करने के पश्चात उसमें संशोधन करने अथवा अनुलग्न संलग्न करने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद अब से प्राप्त करें, इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। तो आपका ऑफलाइन फॉर्म कहाँ जमा होगा साथ ही आपके डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में, जी हाँ साथ ही आपका जो आंगनबाड़ी डिस्ट्रिक्ट कार्यालय है मेन जो जिले के अंतर्गत होता है वहाँ पर ही साथियों आपका यह ऑफलाइन फॉर्म साथियों जमा होगा। तो उसके लिए आपको साथियों जब आप ऑफलाइन फॉर्म को जमा करवाने जाते हो तो वहाँ पर एक रसीद आपको मिलेगी, उस रसीद को आपको संभाल के रखना है क्योंकि सिलेक्शन होगा तब आपके लिए साथियों इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और नीचे भी साथियों डॉक्यूमेंटों के बारे में जानकारी दी गई, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए राजस्थान आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट गुजरते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए चाहिएंगे, तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी आपके 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की RSCIT की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, सेकेंडरी की अंक तालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सभी दस्तावेज से कोई एक होना आपके पास जरूरी है। इसके बाद कार्य अनुभव प्रमाण पत्र यदि है तो आपके पास किस किस पद के लिए रखा गया है, ये अनुभव प्रमाण पत्र, सहायिका सहयोगनी साधन के रूप में 1 वर्ष का कार्य अनुभव, ज्योति योजना का लाभार्थी होने का प्रमाण पत्र, यदि आप आते हो ज्योति योजना में तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। इसके बाद बात करेंगे विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा प्रमाण पत्र होना आपके पास आवश्यक है, यदि आप विधवा परित्यक्ता हो तो RSCIT प्रमाण पत्र आपको लगाना है, अनुसूचित जाति जनजाति यानी आपके साथ जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसके बाद BPL कार्ड यदि आते हो तो आपको BPL कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होगी और स्वयं प्रमाणित सभी का आपके हस्ताक्षर होना जरूरी है। अब आपको बताते हैं जैसे आपके यहाँ हुआ है साथियों दो जिलों का नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है जिसकी अलग अलग लास्ट डेट साथियों आपके रखी गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं एक हुआ बीकानेर का जिसका वीडियो हमने 2 दिन पहले साथियों बना दिया है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का, और एक दोस्तों आज हुआ है आपके चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट का जिसकी लास्ट डेट रखी है 2/6/2023 पर 2 जून 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है, और बीकानेर की रखी गई है साथियों आपके 25 मई 2023 लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म की। अब आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको हम डाउनलोड करके बताते हैं, जैसे यहाँ पर यदि हुआ एप्लीकेशन फॉर्म इसको हम डाउनलोड करके बताते हैं, ऑफिशियल लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पर साथियों एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके बता देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक। तो इस प्रकार से साथियों ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन डाउनलोड हो जाता है। अब किस प्रकार से ये फॉर्म भरना है आपको साथियों हमने पहले ही इसका वीडियो बना दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक मिल जाएगी साथियों, जहाँ से जाकर आप उस वीडियो में देख सकते हैं क्या क्या कौन सी जगह साथियों कौन कौन सी जानकारी भरनी है, इसके बारे में पहले ही हमने आपके लिए वीडियो बना दिया, आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी वहाँ पर देख सकते हो या हमारे चैनल पर खोल कर भी देख सकते हो किस प्रकार से आपका इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जी हाँ साथियों सॉरी साथियों आपका ऑफलाइन फॉर्म भरा आएगा, ये आपका ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसमें जो भी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है हमने इसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों 2 दिन होगा वीडियो बनाए उसका हमने किस प्रकार से इसका फॉर्म आपको ये भरना है सारी जानकारी उसमें बताई गई है, इसलिए आप उस वीडियो को देखकर इस फॉर्म को साथियों स्टेप बाई स्टेप भर सकते हैं। ये ऑफलाइन फॉर्म है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है साथियों, वहाँ से जाकर साथियों इस फॉर्म को पहले आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद एक वीडियो मिलेगा आपको साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही, वहाँ पर आप देख लेंगे किस प्रकार से इसका ये फॉर्म आपको भरना होगा। तो ये है साथियों आज की जानकारी, 2 जिलों का नोटिफिकेशन आज जारी हुआ साथियों, एक हुआ आपके बीकानेर का जिसकी 25 मई लास्ट डेट रखी है, एक हुआ है आपके चित्तौड़गढ़ का जिसकी साथियों लास्ट डेट आप
जून में रखी गई है, तो इसलिए आप यदि योग्य हो इसके लिए तो जल्दी से जल्दी जाकर अपना इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि ये अपने ही गांव में नौकरी मिल जाती है, बहुत अच्छी नौकरी होती है साथियों आंगनवाड़ी की। तो फिर मिलेंगे साथियों आपसे इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार। और किसी प्रकार का डाउट रहता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।